ममता बनर्जी ओवैसी का तो समझवाता है, अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं सीएए का विरोध। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर 2024 के लोकसभा चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी की रणनीति है कि सीएए का विरोध करने वाले दलों को ये साबित किया जाएगा कि वे हिंदुओं का हित नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे पर उसी तरह फूक फूक कर बयान दे रहा है जिस तरह राम मंदिर के उद्घाटन पर बचते हुए बयान दिए जा रहे थे। पर राम मंदिर उद्घाटन का जिस तरह मजबूती से विरोध टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था, उसी तरह उन्होंने सीएए के विरोध का भी बीड़ा उठाया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर खुलकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी और ममता बनर्जी का विरोध तो समझ में आता है, क्योंकि उनको वोट देने वालों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सीएए पर सरकार से नाराज है। पर जिस तरह से दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो उनसे किसी को उम्मीद नहीं था। आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल सीएए का इतना तीखा विरोध करने पर उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से अपने अलग स्टैंड को लेकर जाने जाते रहे हैं। संसद में उनकी पार्टी ने 370 हटाए जाने का समर्थन किया था। राम मंदिर के मामले में भी उन्होंने कहा था, वो उद्घाटन के बाद जब भीड़ कम होगी अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। विपक्ष के कई नेता केजरीवाल की इन चालों पर हैरान होते रहे हैं। सीएए पर जब पहली बार हो हल्ला मचा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया था, हालांकि खुलकर नहीं। तब कांग्रेस सीएए के विरोध में सबसे अधिक मुखर थी, पर आज अरविंद केजरीवाल सीएए का सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। याद करिए 2019 में शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठ गईं और कोविड शुरू होने तक बैठी रही। लेफ्ट से लेकर कांग्रेस के कई नेता आंदोलनकारी महिलाओं को वहां नैतिक समर्थन देने पहुंचे। नहीं गए तो केवल अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम भी इस आंदोलन से दूर रही। जेएनयू में हंगामा हुआ, जामिया में बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर लोग अरविंद केजरीवाल से दोनों जगहों पर जाने की अपील करते रहे, पर अरविंद केजरीवाल पर कोई असर नहीं हुआ। पर आज अरविंद केजरीवाल सीए के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं में सबसे अधिक मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने सीए के विरोध में एक वीडियो भी जारी किया है। ममता बनर्जी और ओवैसी को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस नेताओं के मुकाबले तो वे सीए विरोध में बाजी मार ले गए हैं। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।